तो एप्रिलिया के बाद बारी आती है वेस्पा की। तो चलिए आज वेस्पा 125 सीसी का जो स्कूटर है सारे डिटेल्स बताएंगे, क्या प्राइस है, क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। अगर आपको भी एक बेहतरीन वेस्पा लेनी है तो आप कहाँ पे कांटेक्ट करोगे, सारे डिटेल्स आज इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो वेलकम टू लॉर्ड ऑफ रोड्स, लॉर्ड ऑफ रोड्स में आपके ऊपर फिर से स्वागत है। आज वेस्पा स्कूटर के बारे में पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे। तो अगर वेस्पा के बारे में बात करते हैं अभी, तो क्या डिफरेंस है और इसमें क्या चेंजेस? वेस्पा का जो है सिंगल फ्रेम मेटल बॉडी है, अदर्स कंपनी का स्कूटर नट्स से जॉइंट होता है, लेकिन ये 300 रिपीट्स के ऊपर होता है। इसलिए मतलब इसमें कोई नट्स से जॉइंट नहीं होता है, मतलब जो ज्यादातर जो लोग मतलब थोड़ा सा कच्चा सड़क में चलाते हैं, गाँव के अंदर चलाते हैं, तो बहुत जल्दी उसमें आवाज आने लगता है, तो हो जाता है। इधर तो कुछ इसमें जैसे नट्स का कोई सिस्टम नहीं है, तो ये काफी मतलब बिना साउंड मतलब साउंड प्रूफ स्कूटर आप बोल सकते हैं, बिना साउंड का ये काफी दिन तक चलता है। वेस्पा का जो कलर है ये 3 कोटिंग एचडी पेंट है, आप बारी धूप रखेंगे एचडी कलर से ये बना हुआ है, तो बहुत टफ कलर होता है, मतलब नॉर्मली वो फेड नहीं होता है। अगर आप सालों साल ये स्कूटर अपने घर में रख सकते रखना चाहते हो, तो ये जो एचडी पेंट कलर है तो ये आपको काफी फायदा मिलेगा और कलर सेम जैसे नया जैसा सालों भर रहेगा। तो चलिए स्कूटर को एक बार ऑन करके देखते हैं। तो ये डीआरएल लाइट आप देख रहे हैं, कितना बढ़िया एक खूबसूरत लुक के साथ। और स्कूटर को करते हैं अभी स्टार्ट। इंजन का जो साउंड है काफी स्मूथ है और रिफाइंड इंजन जैसा एक साउंड आ रहा है, आप सुन सकते हैं बहुत ही बढ़िया एक साउंड है। एक बार इसका मीटर कंसोल भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मीटर आप देख सकते हो, ऊपर आपका स्पीडोमीटर दिया हुआ है, नीचे डिजिटल मीटर दिया गया है। और अगर हैंडल बार की बात करें, एक छोटा सा हैंडल यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे मोड बटन, लाइट बटन, और लेफ्ट साइड में एज यूजुअल यहाँ पे हॉर्न, और यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स का स्विच देखने को मिलता है। तो चलिए एक बार बूट स्पेस भी आपको दिखा देता हूँ। वाओ, ये काफी बड़ा मतलब स्पेशियस जगह आप बोल सकते हो इसके अंदर, मतलब 15 लीटर स्टोरेज कैपेसिटी है, और यहाँ सब फ्यूल डाल सकते हैं। ये फ्यूल टैंक 7.7 लीटर का, मतलब काफी बड़ा है फ्यूल टैंक, फ्यूल कैपेसिटी स्कूटर में। और इसका जो प्लास्टिक देखिए कितना बढ़िया बेहतरीन, आपको ऐसे टच कर से फील होगा कि बढ़िया क्वालिटी प्लास्टिक से ही बना गया है। और यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलता है, और यहाँ पे बूट लैंप भी आपको देखने को मिलता है। देखिए अंदर एक लाइट भी दिया हुआ है, जो मतलब एप्रिलिया में हम लोग देखे थे सेम लाइट इसमें भी आपको दिख जाएगा। तो हर वीडियो के एंड में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, अभी इसका प्राइस कितना जा रहा है? इसका एक शोरूम प्राइस है 1,34,800। अभी एक शोरूम प्राइस है। तो अगर आपको ऑन रोड प्राइस जानना है तो शोरूम में आके कॉन्टेक्ट कीजिए, शोरूम का सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर आपको भी ये स्कूटर पसंद है तो आके जरूर ट्राई कीजिए, मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप एक बढ़िया क्वालिटी का स्कूटर विद बजटेड प्राइस ढूंढ रहे हो, तो जरूर आपको वेस्पा और एप्रिलिया ट्राई करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज वेस्पा के बारे में सारे डिटेल्स आपको बताया। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। फिर मिलेंगे दूसरे कोई लोकेशन में दूसरा कोई इंटरेस्टिंग बाइक या स्कूटर लेके। तब तक के लिए सेफ राइड सेफ लाइफ।